देखिए हम लोग जो है मुकेश साहनी को जो है मतलब है कि बिंदवेल्ला नौनियामल्ला का जो है पूरे गांधी मैदान में वो सैलाब हम लोग दिखला चुके थे, उतना हुजूम दिखला चुके थे। हम लोग का जनसंख्या घोटाला हुआ है और हम इसके विरोध में हम बहुत आगे तक जाएंगे, हाईकोर्ट तक जाएंगे और अपना सर्वे भी करवा रहे हैं, अपनी जाति जनगणना खुद से करवा रहे हैं। वो सिर्फ अपने जो है स्वार्थ के भावना में किसी को कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद है पटना के मिलर हाई स्कूल में, जहाँ चुनाव जो है इतना करीब आ गया है और एक तरफ से बिंदवेल्लार परिवार जो है वो महारैली निकाले हुए थे। आज मिलर हाई स्कूल में पहुंचे हैं लोग, अपनी मांग को लेकर, आरक्षण को लेकर ये लोग लगातार केंद्र सरकार से मांग करने पहुंचे। अब इनसे ही पूछते हैं कि कहां से आए हैं, कहां से आए हैं। मैं तो पटना जिला से आया हूँ। अच्छा, नाम क्या हुआ? बब्बन प्रसाद बेल्लार। आप लोग आज मिलर स्कूल में किस लिए आए थे, सुबह से आप लोग महारैली? आज मैं बेलन महारैली था नुनिया बिन बेलदार समाज के माध्यम से, उस समाज में सहभागी बनने के लिए आए थे। तो आप कहाँ से आए हैं? जी मैं पटना से आया हूँ और बेलन रैली में शामिल हुआ हूँ और मैं सरकार को ये खुली चेतावनी देता हूँ कि अगर हमारी मांग को नहीं मानी गई तो आने वाले समय में उनको बड़ा भुगतान, मतलब बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खुली चेतावनी दे रहे हैं? एकदम खुली चेतावनी है, इसलिए कि हमारी जनसंख्या को भी कम कर दिया गया है। कितनी जनसंख्या है? हम लोग का जनसंख्या देखिए, यहाँ बिहार में 1 करोड़ के आसपास है, सिर्फ नालंदा में हम लोग का जनसंख्या जो है 4-4.5 लाख है और हम लोग को पूरे बिहार में बताया गया 4,83,000 के आसपास। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग का जनसंख्या घोटाला हुआ है और हम इसके विरोध में हम बहुत आगे तक जाएंगे, हाईकोर्ट तक जाएंगे और अपना सर्वे भी करवा रहे हैं, अपनी जाति जनगणना खुद से करवा रहे हैं। ये हम लोग का इतने कब से मतलब आप लोग के जनसंख्या के साथ घोटाला किया गया है? और ये जनसंख्या घोट अभी जो काउंटिंग हुआ है, जो जातीय जनगणना हुआ, ये जनगणना हुआ, इससे पहले आप लोग कहाँ थे? इससे पहले भी हम लोग थे, तो हम लोग तो जनसंख्या है ही और हम लोग की जनसंख्या को मतलब इस तरह से किया गया है ताकि लिखित शक्ति को मतलब पता न चले और एक तितिर भी तरह हम लोग का वोट को मतलब सिर्फ यूज करने के लिए चाहती है पार्टी, कोई भी पार्टी हो। अभी नई सरकार बनी है, क्या लगता है इतनी जल्दी आप लोगों की बात सुनी जाएगी? नहीं सुने, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो अपने तरफ से लड़ाई है, जो संवैधानिक तरह से उसको लड़ेंगे और हमारी दृढ़ इच्छा है कि हम इस पर सफल होंगे। अच्छा, सफल होगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं जहानाबाद से आया हूँ। जहानाबाद से आज पटना के मिलर हाई स्कूल में? हाँ, हमारा संस्था है बेल्लार बिंद सेवा सामाजिक संस्था है, उस संस्था के तहत यहाँ ये बेलन महारैली किया गया। हम लोग एकजुट हो करके हमारी मांग है आरक्षण के लिए। आरक्षण कब मिलेगा? तो SC या ST, ठीक है ना? वैसे ST तो अभी बात हो रही है, लेकिन हम लोग का है 11 राज्य में, हम बेलदार हैं और 11 राज्यों में हमारा जो बेलदार समाज है वो अनुसूचित जाति में है, मतलब शेड्यूल कास्ट में है। और ये बिहार कहाँ से आया है? बंगाल से भी डिवाइड होकर के आया है। हम लोग पहले भी अनुसूचित जाति में थे, आज हमारे जो समाज के लोग हैं, बच्चे हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। ईंट भट्ठों पर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, सामाजिक रूप से कमज़ोर है। अब उसके साथ साथ राजनीति में भी कोई भागीदारी नहीं है, जबकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उसको कम करके दिखाया गया। अच्छा देखिए, एक बात है कि हम 10 लोग एक घर में रह रहे हैं और आप हैं, आप बोलिएगा अरे आप लोग दो ही हैं तो कैसे माना जाएगा, लेकिन आप बोलिएगा कि नहीं दो ही हैं अब, जबकि हम 10 हैं। उसी तरह से हमारे ये बिहार राज्य में हमारी जनसंख्या को कम करके अब बता दिया गया, अरे आप लोग तो दो ही हैं, 10 कहाँ हैं है? तो ये बात है। तो इतना नाराज आप लोग क्यों हैं? इसलिए कि हमारे साथ ये धोखाधड़ी हुआ है ना। अच्छा। हम 10 लोग हैं। किसने किया ये धोखाधड़ी? सरकार किया है, उसी ने ना ये जाति जनगणना करवाया है। तो इसी के विरुद्ध हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आप हमारे स्थिति को भी देखिए, कौन देखेगा आखिर हम सरकार बना है, वो नहीं दे पाया। इस सरकार को बनाता कौन है? सरकार को बनाता क्या है? सरकार को हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम लोग तो बोलेंगे ही। अब जैसे है बच्चा भूखा होता है तब रोने लगता है, तब उसकी माँ है सो कुछ खिलाती है या दूध पिलाती है, उसी तरह से हम लोग कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हम लोग को हमारे बच्चे अच्छे पढ़ नहीं पाते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल पाती है, तो आर्थिक रूप से हम लोग कैसे? क्या लगता है आप लोग की सरकार मांग पूरा करेगी? अभी चुनाव भी बहुत करीब आ गया है, डेट भी निकाल दिया गया है चुनाव का, उनको मानना पड़ेगा। पहले आप लोग हाँ, मांग कर रहे वही मानना पड़ेगा क्योंकि अभी समय है। हर समय तो हम लोग वोट देते रहते हैं, सरकार बनते रहती है फिर भूल जाते हैं। आज इसीलिए हम लोग ये इलेक्शन के पहले हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, अभी मिलजुल करके आंदोलन कर रहे हैं। हम बिंद
बेलदार दोनों एक ही हैं। ये संस्था बना करके हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग को ध्यान में रखिए, आखिर एक एक करके तो नहीं जाएंगे, मिलजुल करके ना हम लोग बोलेंगे तभी सरकार की आंखें खुलेगी। अब जो भी सरकार आएंगे इलेक्शन में हम लोग ऐसा करेंगे कि भाई इस बार जो हमारी बातों पर ध्यान देगा, हमारी सुरक्षा देगा, या ये कहिए कि सामाजिक सुरक्षा, हमारे हितों पर ध्यान देगा, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर जो जो भी हमारे अधिकार के सुरक्षा के प्रति आगे बढ़ेंगे तो उनको हम वोट देंगे। क्या आप कहाँ से आए हैं, आपकी क्या कुछ मांग है? आप भी यही बिंदबिंदार परिवार से हैं क्या? हाँ, हम भी जो हैं बिंदबिंदार परिवार से हैं, बिंदबिंदार दोनों एक ही है। और अच्छा। हमारा शिकायत ये है नीतीश कुमार से, जो कि जो हम लोग को जो है कोडिंग सिस्टम जो किया है, बिंद का अलग, बेलदार का अलग, नौनिया का अलग, मलाह का अलग, तो ये हम लोगों को कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है मतलब है कि मार मारने का ये लोग काम किए हैं। अच्छा। हम लोगों को कहीं ना कहीं आपस में मतलब है कि जिसे आपस में अगर भाई है पांच गो, तो उसको जो है मतलब है कि गाँव समाज में कहता है कि अरे मजबूत है, पाँच भाई है, तो अब पांचों भाई को अगर जो है कूटनीति राजनीति के षड्यंत्र के तहत जो है अगर अलग कर दिया जाता है, प्रैक्टिकल बात आप ही हैं, तो कमज़ोर जो है लोग मानेगा, जब जान जाएगा कि पांचों भाई अलग हो गया है या अलग कर दिया गया है, तो वो थोड़ा देर के लिए कमज़ोर माना जाता है। सेम उसी प्रकार जो है ये नीतीश कुमार जो है हम लोगों के साथ ये कोड अलग अलग कर करके हम लोग के साथ ये राजनीतिक जो है मतलब है कि शिकार किए हैं हम लोग को, और जिससे हम लोग बहुत नाराज हैं। नीतीश कुमार जी से नाराज है? अभी भी मतलब एनडीए में जाके अपनी सरकार बनाए, अभी मुख्यमंत्री भी है, 9 बार वो शपथ ग्रहण भी लिए हैं। क्या लगता है कि आप लोग बार बार इस तरह से उनको ये देते हैं और आप लोगों को चखमा देते हैं? नीतीश कुमार उनको बार बार मौका देते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, 18 साल से थे, अभी फिर से वो एक बार बने हैं मुख्यमंत्री जी। हमें ये कहना है कि जो है कहीं ना कहीं उनको एक नशा सवार हो गया है कि हमें इस कुर्सी को छोड़ना नहीं है। अच्छा। वो आज के डेट में हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है कि दो तरफा वो कभी जो है विश्वास के योग, पात्र के योग जो है माना नहीं जाता है। आप अगर किसी के ऊपर विश्वास करते हैं और आपसे कोई धोखा कर दे, तो आप कभी जो है उसको जो है दिल से नहीं लगाइएगा, कहिएगा कि वो धोखेबाज है। तो वो जस्ट लाइक वो प्रैक्टिकल हो चुका है, वो पूरे बिहार में या पूरे इंडिया में जो है मतलब है कि वो प्रैक्टिकल हो चुका है कि वो जो है मतलब पलटू राम है। हाँ, वो कहीं ना कहीं वो विश्वास योग व्यक्ति है ही नहीं, वो सिर्फ अपने जो है स्वार्थ की भावना में किसी को कुछ भी कर सकते हैं, अपना समाज राष्ट्र तो जनता को देखते हुए काम करते हैं, वो जनता को सब ले के चलते हैं, सबों का उस समस्या का समाधान करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सरकारी जो है एजेंडा है, वो आप भी अगर बैठिएगा उस कुर्सी पे तो सरकार का जो मतलब है कि सारा प्रोफाइल के जरिए जो इकोनॉमिकल जो पैसा आता है, उस पैसा से आप भी बखूबी जो है मतलब कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो वो जो है मतलब है कि वो जो बजट आती है सरकार का हर एक साल, वो क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ नीतीश कुमार ही जो है वही फुलफिल कर सकते हैं, और भी बिहार में बहुत सारे ऐसे उनसे भी ज़्यादा पढ़ा योग्य व्यक्ति हैं, अगर उनको जो है मौका दीजिए, देखिए कि जो है और जो ये सारे जो हम लोग के साथ जो मतलब है कि छेलने का काम किए हैं, शायद दूसरा कोई मुख्यमंत्री अगर जो है बना दिया जाए, जैसे कि आप किसको चाहते हैं बनाना, आपको कौन लगता है कि आप लोगों को पूरा कर सकता है, तो किसको आप लोग देखना चाहते हैं? देखो क्या बताएं इसके विषय पे, जो है हम लोग की जो सब समाज का अपना अपना एक नेता को माना जाता है आज बिहार के अथी में, यादव लोग जो है मतलब है यादव जाति के, उसमें भी बहुत सारे कुरी हैं, मगर टाइटल उनका कोड एक है और नेता वो सब जो है एक ही लालू यादव और तेजस्वी को मानते हैं। उसी तरह जो है हम लोग का जो है कोड एक होना चाहिए, मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि हम लोग का भी कोड एक करें, हाँ जो गलतियाँ हो गई उसको सुधार करें, संशोधन जो है मतलब है कि कानून का जो है ये अधिकार है कि संशोधन भी होता है, तो हम चाहते हैं कि जो है संशोधन करके हम लोग को कोड एक करें, और हम लोग का जो नेता है जैसे आप लोग इससे पहले कोई नेता थे वरिष्ठ नेता? देखिए हम लोग जो है मुकेश साहनी को जो है मतलब है कि बिंदबिंदार नौनियामलाह का जो है पूरे गांधी मैदान में वो सैलाब हम लोग दिखला चुके थे, उतना हुजूम दिखला चुके थे कि उतना हुजूम जो है आज तक कोई नेता जो है शायद एक लालू यादव उतना दिखला पाए थे। तो हम लोग जो है जनसंख्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा है, इस चलते जो है हम लोग का जो है नेता जो है उनको मानते थे, बट कहीं ना कहीं वो ही जो है अपना कुछ दिमागी जो है मतलब होता है ना, दिमाग से उतना काम नहीं किए, जिसके वजह से आज उसको बहुत सारा बिंद बिलदार नौनिया लोग जो है नेता मानने से भी अब कतराने लगे हैं। चीज है ना जो ये जो बिहार की जो हमारे पटना का धरती पर जो बार बार जो हम लोग इकट्ठित होते हैं, हम भाकपा माले लिबरेशन की प्रखंड अध्यक्ष हैं सारण डिस्ट्रिक्ट का,
अब रही बात की जो ये लोग वोट लेते हैं जनवाद से और काम करते हैं पूंजीवाद से। अच्छा, मतलब कि हक हमारा और हुक्म तुम्हारा। हाँ। एक वोट जो है कीमत होता है। वोट लेने के टाइम में दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और हम लोग को लालच दे करके वोट को ले लेते हैं और अडानी अम्बानी को लोग काम करते हैं। अबरी बार हमारे सौदासियों का जो ये सम्मेलन था यहाँ पर, ये जुटान था, इस जुटान में हम लोग तय किए हैं, हम आते हैं भाकपा माले लिबरेशन की ओर से, हमारे नेता दीपंकर जी हैं, फिर भी उस बात को, उस संगठन को साइड करते हुए ये सरकार मेरी अगर मांग को दे देती है तो ठीक है, और नहीं देती है तो जैसे हमारे दरवाजा बजाएगी तो हमारे घर की महिलाओं बेटी बहन जो है वो बायकॉट करेंगे, बायकॉट कर दीजिए जी। देखिए ये जो है बिन बिलदार परिवार से आते हैं लोग, सबका एक ही जाति है। आज ये मिलर हाई स्कूल में ये लोग महारैली निकाले थे। इससे पहले जो है अभी जातीय जनगणना कराई गई थी, इसमें से ये लोग 1 करोड़ की आबादी दिखाई गई थी पहले थी, लेकिन अब जो इनकी आबादी घटा दी गई है ऐसा काम किया गया नीतीश कुमार से, लोग काफी नाराज है और लगातार ये जो है केंद्र सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से हम लोगों का आबादी घटाने की काम किया गया है, अब चुनाव भी बहुत करीब है और चुनाव के समय जब चुनाव आएगा वोट मांगने के लिए अगर नेता हमारे दरवाजे पर जाएंगे तो दरवाजे खटखटाएंगे, जिस तरह से हम लोग उनको नकार देंगे, उनको वोट बिल्कुल नहीं देंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप लोग बने रहे, आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।